का रहता था हमसे, हो सकत नहीं। तो लेकिन अभी भी महाराष्ट्र में हो सकत नहर लहर का कॉन्सेप्ट के साथ हमने चैलेंज स्वीकार नहीं किया, ऐसा मुझे लगता है। हो सकत नहीं, इसका चैलेंज आप लोगों ने स्वीकार किया है कि नहीं किया है, इस पर मेरा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि स्पीड नजर नहीं आ रही है और आपका मैकेनिज्म सामने नजर नहीं आ रहा है। जबकि दूसरे प्रदेशों में लोग आगे के लिए योजना बना रहे हैं, कार्यक्रम करने की कोशिश कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, और आप लोगों का जो सबसे अगुआ रहता था, ये प्रदेश सबसे आगे रहता था, हर क्षेत्र में आगे था। मैं खुद खुद इस चीज को मानता हूँ। जब हम 9 राज्यों में काम कर रहे थे उस समय भी महाराष्ट्र में सबसे अगुआ था। फाइनेंस भी जबरदस्त इकट्ठा करता था और ट्रेनिंग भी जबरदस्त देता था। ये दोनों ही क्षेत्र में, मतलब प्रबोधन के क्षेत्र में और फाइनेंस के क्षेत्र में, ये प्रॉपर महाराष्ट्र का, दूसरे स्टेट तो साथ में जुड़े थे साउथ के, और महाराष्ट्र का अद्भुत था साहब के समय में। तो पॉलिटिकल फील्ड में नॉन हो सकत नहीं की लहर चल रही हो, पर नॉन पॉलिटिकल क्षेत्र में हमने इस लहर को रोकने की कोशिश की और काफी कामयाब कोशिश हुई थी। और आपको शायद ताजुब हो, उस समय हम पॉलिटिकल विंग के साथ जुड़े हुए थे, तो पहली बार 2004 में साहब के बीमार पड़ने के तुरंत बाद जो इलेक्शन 2000 पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, उसमें मोर देन 4% वोट महाराष्ट्र को मिले और पार्टी नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज हुई, और इसके बाद 4% की जगह 6% का प्रावधान हो गया कि स्टेट रिकॉग्निशन के लिए कम से कम 6% वोट होना चाहिए। लेकिन उस पर 4.01% वोट महाराष्ट्र में, यानी ये नॉन पॉलिटिकल विंग का इम्पैक्ट था कि ये लोग काम कर रहे थे। तो हमने पॉलिटिकल विंग, पॉलिटिकल धरातल पर तो हम लहर को नहीं रोक पाए थे, पर नॉन पॉलिटिकल धरातल पर हम लहर को हो सकत नहीं इस लहर को रोकने में हम कुछ हद तक समर्थ हो रहे थे। समर्थ हो गए थे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, समर्थ हो रहे थे। तो एक ये कि आपसे मेरा डायरेक्टली बोलना है कि आप लोगों ने हो सकत नहीं इस लहर पर रोकने के लिए कोई कामयाब स्ट्रेटेजी डिसाइड नहीं की, क्योंकि आप लोग स्टेट लेवल पर मीट करने के लिए आप स्वतंत्र थे, कर पा रहे थे कि नहीं कर पा रहे थे, पर लेकिन मैं रिजल्ट को देख के ही मैं जायजा लेता हूँ कि रिजल्ट बोलना चाहिए। और सभी, मैं एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूँ, मैं उत्तर महाराष्ट्र की बात करूँ, खानदेश के, यहाँ भी हम पीछे हैं, बॉम्बे रीजन में भी पीछे हैं, पूना तो हमारे से बिल्कुल अछूता सा बना हुआ है, नासिक रीजन में अभी हम संपर्क नहीं कर पाए, औरंगाबाद और नागपुर रीजन और अमरावती रीजन के, इनके हम सेंटर को भी हम कम से कम कब्जा नहीं कर पाए, सेंटर में भी अपनी यूनिटों को विधिवत डेवलप नहीं कर पाए। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि जो कमिश्नर के जो डिस्ट्रिक्ट का 5-6 डिस्ट्रिक्ट का सेंटर होता है कमिश्नरी, उस कमिश्नरी पर हम भी, हमारा कुछ प्रबुद्ध सा जमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो मैं आप सब लोगों से, किसी एक से नहीं सभी से बोलूंगा कि आप इस पर अपने खुलकर विचार रखें, हम कहाँ कम पड़ रहे हैं, अपनी कमतरता को हम कैसे दूर करें। क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन बार बार, मतलब मेरे को 2-3 महीने से लगातार मेरे को सता रहा था कि आप लोगों से बात करूं मैं, मेरा क्या सहभाग चाहिए, सहयोग चाहिए, सहभाग और सहयोग मैं आप लोगों को ज्यादा देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना सहभाग महाराष्ट्र के लिए ज्यादा देने के लिए तैयार हूँ, पर लेकिन आप लोगों की पहल, आप लोगों की सूझबूझ, आप लोगों का मैकेनिज्म कम फॉरवर्ड आना चाहिए। इसलिए मैं खुले तौर से सब लोगों से कि भाई अपना विचार, आप लोग खुले तौर से अपने विचार रखें, और इस मूवमेंट को कैसे स्ट्रेंथन बनाया जा सकता है, कैसे ताकतवर बनाया जा सकता है, इसके बारे में हम कमतरताओं को कैसे दूर कर सकते हैं। ऑल आर ओपन टू स्पीक। कम फॉरवर्ड, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आपको नहीं बुलाऊंगा, आप लोगों से कोई भी वॉलंटियर आ सकते हैं, क्योंकि सभी को मैं महत्वपूर्ण व्यक्ति मानता हूं आप लोग। और अभी अभी अगर मेरे के दो और एक तीन निकाल, केवल 13 लोग
अभी पहुंचे हैं और आधा घंटे से ज्यादा होने जा रहा है, आधा घंटे के आसपास हो रहा है, और हम महाराष्ट्र से 13 लोग बैठे हैं। हम समाधान मान लेते हैं ये 13 लोग भी जिद पर आ जाएं, तो ये 13 लोग भी मनुवाद के चिचड़े उड़ा सकते हैं अगर ये जिद पर आ जाएं तो। सो कम फॉरवर्ड। हेलो, हेलो, यस शिवचरण। सर एक्चुअली क्या है, जो मेरा वर्किंग है सर तो काफी इंटीरियर में है, जैसे आप इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन नहीं दीजिए, मैं आपका किसी को इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम आप लोगों के सामने रखी है, प्रॉब्लम को कैसे डायग्नोज करोगे वो देखेगा, मैं किसी व्यक्ति विशेष का एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा हूँ, ये प्रेस्टेज पॉइंट नहीं है। मिशन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, एक कारवां को आगे कैसे ढकेलना है उस पर बात कीजिए, आपने क्या किया क्या नहीं किया इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्चुअली सर मुझे ये बोलना था कि जैसे ट्रेनिंग थिंकिंग स्किल का सर कहीं हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें तो सर अपने को मतलब जो है किसी की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी सर, जो मतलब थोड़ा सा मतलब एक कोऑपरेटिव लेवल पे की आए तो कम से कम हम उसको अच्छे से अरेंज कर पाए। आपका स्टेटमेंट एक्सप्लेन नहीं है थिंकिंग स्किल और ट्रेनिंग की जरूरत क्या है, मतलब बोलना क्या चाहते हैं। कहीं पे अपन एक ट्रेनिंग 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 वन डे यदि ऑर्गेनाइज करें सर तो सर मुझे मतलब जो है एक अच्छे ट्रेनर की भी मतलब एक अच्छे अपने स्पीकर बंदूक की स्पीकर की जरूरत है। जी 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 ताकि सर क्या होता है एक पर्सनैलिटी का भी इम्पैक्ट जाता है सर, यदि कोई बाहर से आ रहे हैं और कोई एक पर्सनैलिटी का भी इम्पैक्ट आती है सर। ये तो ठीक ट्रेनिंग की बात है। बराबर बराबर ओके नोट किया। आप किसी को भी बुला सकते हैं जिन्होंने 5 दिन की ट्रेनिंग ली हुई है, वो यादी देख के आप बुला सकते हैं किसी को भी। हाँ कहाँ पे लेना है ट्रेनिंग आपको सर? अभी उनका डेट और टाइम अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन मैंने उनसे बात की है तो उनका अभी तो कुछ है। ऐसा ऐसा अनुमानता की बात नहीं करना चाहिए, आप पहले कुछ ग्राउंड वर्क करके आते फिर ट्रेन कीजिए। अभी आप ग्राउंड वर्क करेंगे, मैं आज कल आपको मैं आदमी दे दूं तो बात नहीं बनेगी ना। नहीं नहीं सर एक्चुअली क्या हुआ था, वो अभी उनका कुछ इलेक्शन का चल रहा था तो मुझे उन्होंने बोला कि सर मेरा इलेक्शन हो जाता है थोड़ा सा तो फिर अपन इस पे बैठ के डिस्कस करके फाइनली कर लेंगे सर, ऐसा इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। आप कहाँ ट्रेनिंग लेना चाहेंगे, किस एरिया में ट्रेनिंग, मतलब महाराष्ट्र के किस एरिया में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जहां आप लोगों को कम से कम 50 लोगों को जोड़ सकें तो आपको फिजिकल ट्रेनिंग भी हम थिंकिंग स्किल पर दे सकेंगे। आप 50 लोग फिजिकल के लिए एक दिन के लिए होंगे तो एक दिन के लिए ओनली थिंकिंग स्किल की ट्रेनिंग के लिए हमारा आदमी आ जाएगा। जी जी तो पहले ग्राउंड वर्क कीजिएगा और फिर मतलब प्रपोजल रखिएगा। कम फॉरवर्ड एनीबॉडी। ओके सर हाँ हेलो सर बोलिए बोलिए अशोक। हेलो बोलिए भाई। हेलो अरे हिल रहे हम बोलो हेलो हिल रहे हम हाँ, सर इतना टाइम नहीं बोलना चाहिए। आपने यहाँ पे सारे ओपन है स्टार्ट कीजिएगा सर, सबकी आवाज आ रही है। हमने सर तो, सर हमने 24 तारीख को एक ट्रेनिंग कैंप रखा है सर 50 लोगों का चंद्रपुर में और उसके बाद यवतमाल रखेंगे। ठीक है रखा है ओके। हम एक बीड जिले में मराठवाड़े के लिए 30 तारीख का रखना चाह रहे हैं सर, अभी तैयारी चालू है 31 तारीख को 31 जनवरी। हेलो यस ठीक है आपका 31 जनवरी हमारी फाइनल कर लीजिए सर। ठीक है बाबा साहेब मोरे। बाबा साहेब हाँ बोला की ऐकतोय। हाँ 31 तारीख आपल्यासाठी आपण फायनल करून घेतली। चल चल 31 तारीख
यवतमाल की भी तारीख अभी से फिक्स कर लेना चाहिए, अगर 24 चंद्रपुर की है तो यवतमाल के लिए। और कम फॉरवर्ड, हाउ टू स्ट्रेंथन द महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को सशक्त कैसे बनाने का, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट महाराष्ट्र में कैसे सशक्त बनाया जाए। आप थिंक टैंक हैं, आपका बहुत मैच्योर वर्ड आना चाहिए कि कैसे ये पॉसिबल है। सर महाराष्ट्रात अगोदर 5 दिवसाचा कॅम्प घ्या महाराष्ट्रातल्या लोकांसाठी जळगावला, त्याच्यानंतर मग आपल्याला हे होती मोठ्या प्रमाणावर नोटेड। टाइम फ्रेम बनाइए, कौन से 5 दिन चाहिए आपको, आप लोग महाराष्ट्र में कौन से 5 दिन चाहते हैं, क्योंकि वो टाइम भी तो डेट वगैरह भी आपके फाइनल हो करना चाहिए ना, अपेक्षा करना, प्रैक्टिकल भी आइएगा साथ में। मोतीराय जी खानदेशात बोला, हॅलो, बोला डोळ्यावाल्यांशी करतोय कॉन्टॅक्ट, डोळ्याचं ते जे एक तुमचे काल जे होते त्यांचा नाव आणि नंबर मला व्हॉट्सअपला द्याल, ते देतो सगळं, तारीख ठरवा सांगा लवकर, तारीख ठरवून टाका प्रपोजल करू म्हणजे कामाला सुरुवात होऊन जाईल, तारीख फायनल करून टाका म्हणजे कामाला सुरुवात होऊन जाते। हॅलो, 20 तारीख आहे नंतर 26, कारण 26 पर्यंत एंगेज आहे मी, 26 तारीख आहे नंतर 31 तारीख रखिये ना आपने लिए लास्ट रखिएगा, 26 चाहते हो आप, हाँ चल सकती, चल सकती, मैंने अभी मालेगांव वालों से कॉन्टेक्ट करने का कोशिश किया आज, दो तीन लोग वो तेली वगैरह, मगर किसी ने फोन नहीं उठाया, दूल्हे में एक टीचर है उनसे बातचीत हुई, वो बोले 2-3 नाम बताओ मैं उनसे जाके मिलता फिर डिसाइड करेंगे उनके, चल तो वो 2-3 लोगों के तारीख निश्चित झाली तर प्रोग्रेस होऊ शकतो, लोकांना बोलवता येतं असं, टार्गेट बना के काम करना जरूरी है, तारीख निश्चित करते नंतर प्रत्येक लोक वेगवेगळी तारीख सुचवतात, नाही तर आपण तारीख त्यांच्या सोयीनुसार घ्यावी लागेल। मी तर रिकामाच आहे, माझा नाही प्रश्न, 26 नंतर मी रिकामा आहे, 26 नंतर प्रोग्राम आहे, 26 आफ्टर 26 सर जी वो जो पुरस्कार दे रहे हैं हम टीचर, तो ठीक है 26 के बाद आपका संडे आता है 31 तारीख का, 31 जनवरी को आप प्रोग्राम डिसाइड कर सकते हो, अब सब वो बाकी कार्यक्रम करते हुए देखिएगा डिसाइड हो पाता है कि नहीं हो पाता। और एनीबॉडी कम फॉरवर्ड, चक्रधर जामोड़े जी आपने पिछली बार 25 दिसंबर को काफी प्रयास किया और सावित्रीबाई फुले के लिए भी प्रयास किया, आप कुछ हद तक कामयाब हो पाए कहीं नहीं हो पाए, अभी आपका प्रयास तो कहीं मेरे को नजर नहीं आ रहा है, ये तो प्रोग्राम तो हमको
नहीं, चंद्रपुर को तो प्रोग्राम हो गया एक, लेकिन आपका गोंदिया पर्यंत है, भंडारा गोंदिया पर्यंत है ना, और गढ़चिरौली है, तो चंद्रपुर एक हो गया, वो तो अशोक राठौर आप लोग मिलकर एक हो जाए, हो सकेगा, उसकी पॉसिबिलिटी तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है चंद्रपुर की। और लेकिन बाकी तो बहुत जिले बाकी हैं, नागपुर है, वर्धा है, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर है, गढ़चिरौली है। इसमें अशोक राठौर ने भी इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, और मोहन चौहान ने भी इस चीज को ध्यान देना चाहिए। नागपुर से जोन से 3 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, चौथे बावरी साहब भी हैं। 4 लोग अगर, 5-6 लोग अगर आप लोग एक जगह मीटिंग कर लें, या ऑनलाइन मीटिंग करें या पर्सनली मीटिंग करें, तो आप लोग अच्छी खासी योजना बना सकते हो। और नागपुर तो इस योजना बना के इम्प्लीमेंट करने में सबसे अगुआ रहा है, काफी आगे रहा है। और मैं तो केवल कुछ काम तो 24 आवर में भी फोन पर हो जाते थे, इस तरह से मतलब उफान था मोमेंट के अंदर। चंद्रपुर और यवतमाल कर लेता सर मैं, दो यवतमाल 24 को तो 31 को चंद्रपुर, यवतमाल 31 को कीजिए फिर सर। सर 24 को चंद्रपुर कर लेता, 31 को यवतमाल कर लेता। ठीक है, 2 हो जाते आपके। हम नागपुर और वर्धा की क्या बात हो सकेगी? नागपुर में तो चल रहा है सर। आप चल रहा है वो तो मैं आपको, चलो आउटपुट आने लगेगा तो मैं बोलूंगा। वैसे तो आप हमेशा मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हो, संपर्क कर रहे हो, करते रह रहे हो, ये भी आदमी में अच्छी तरह, आप साइलेंट बैठने वाले व्यक्ति नहीं हो। मैं रिजल्ट बोलता है तो मोहन चौहान जी, आप नागपुर में अभी तक आप सबसे सीनियर आदमी नागपुर से जुड़े हुए हो, एक फिजिकल ट्रेनिंग कैंप आप नहीं लगा पा रहे हो कि लगा ले रहे हो? मोहन चौहान कहूंगा सर मैं लगाने के बाद, पहले नहीं बता सकता, मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे काम चालू है मेरा बहुत सीरियसली, अभी भी मेरा अभी लगातार अभी फोन ही चालू थे, महेंद्र सर का फोन आया था, कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट पे काम चालू है मेरा, लगाया तो मैं खुद लगा के बता दूंगा, मैं पहले ऐसे ये नहीं बताता कि भाई ये करूंगा, इतने बैठूंगा, इतने लोग, ये नहीं कर, मेरे से ऐसा नहीं होता, मैं करके बताता, मैं तो हो जाएंगे तो बता दूंगा। ये जितने लोग यहाँ पर हैं सारे साथी, एक दिन का ट्रेनिंग लेने में ये लोग सक्षम हैं, यानी जो ट्रेन सदस्य मोरे दादा, ये भी अगर नहीं है तो ये भी इनके अंदर क्षमता है कि ये भी ले सकते हैं। आप जितने भी यहाँ पर आज बैठे हैं, मैं नाम लूँ सारे के सारे, ये 1 डे ट्रेनिंग कैंप लेने में आप लोग सक्षम हो, तो आप एक तरह से अगर आपने हर एक, मेरे को ट्रेनिंग कैंप लेना है, मेरे को ट्रेनिंग लेना है, तो कुछ योजना बनाई जा सकती है। इसलिए मैं जो आप लोगों को बोला कि यहाँ स्पीड की प्रॉब्लम है, सर जी मैं बोलूं? यस। मुंबई जो रीजन है पूरा, इसमें जब तक ऑफिशियल ये सारा मांजरा नहीं खुलता, मुंबई जो रीजन है पूरा, मुंबई, थाना, कल्याण या नवी मुंबई, इस एरिया में ये परमिशंस की हमारे लिए बड़ी दिक्कत रहेगी। इसलिए जब तक वो मांजरा नहीं खुलता, 1 डे ट्रेनिंग लेना बड़ा मुश्किल का काम है हमारे लिए, बहुत ही मुश्किल का काम है। क्योंकि सावित्री माई जयंती का जब कार्यक्रम हमने यहाँ किया था, वो भी 2 तारीख को मतलब हमारी जगह फिक्स हुई, लेकिन उस दिन ऑफिशियली जो कामले साहब के माध्यम से वो जगह, लेकिन मुझे रात भर 3 या 4 बार पुलिस स्टेशन वालों को उसका जो ये था वो देना पड़ा कि ऐसा है वैसा ऐसा होने वाला है, कि जबकि वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ऑलरेडी उस दिन सावित्रीबाई जयंती का सेलिब्रेशन के लिए
डिक्लेयर किया हुआ था, फिर भी ये पोजीशन थी। तो हमारा जो वनडे ट्रेनिंग कैंप है इसमें 50-25 उसके लिए जो जगह हाल सारी चीजें है वो तारीख भी आज, ये इसके लिए थोड़ा तकलीफ का काम होगा क्योंकि आज के तारीख में वो परमिशन सरकारी लेवल पर जब तक मिलता नहीं तब तक डिक्लेयर करना मुश्किल का काम है। अमर सिंह जी, मैं बॉम्बे के सारे साथियों से इसके लिए सहमत हूँ, इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम रूरल एरिया में कहीं भी जा सकते। हाँ सुनिए, शरद कांबड़े, अमर सिंह चौहान, महेंद्र थोरात, दारोड़े सर, गमरे सर, ये जितने भी बॉम्बे के लोग हैं, मूव आउट ऑफ द बॉम्बे, मूव आउट ऑफ द बॉम्बे। और इस मूव में आपने आलस नहीं दिखाना, इसीलिए तो सर विदर्भ और बीड़ में मैंने पहल करके इनसे बात वो मैंने सुना। मैं आप अकेले, आप इंडिविजुअल, मैंने बोला, मैंने नहीं बोला, मैंने पूरा बॉम्बे यूनिट को बोला है कि बॉम्बे के जितने हैं लोग हैं, आउट, मूव आउट ऑफ द बॉम्बे। आप उस तरह से आपका अकेले का एक्सप्लेनेशन की मुझे गरज नहीं है ना। मैं इंडिविजुअल पहले से बोला कि मेरे को इंडिविजुअल के एक्सप्लेनेशन की गरज नहीं है, स्टार्टिंग में मैं बोला। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आप इतने लोग हैं, अगर आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर, चलो अपने बॉम्बे के बाहर निकलते हैं और मूव करने के लिए, फिर वहां पे आपको अड़चन है, फिर देखेंगे या बॉम्बे के बाहर भी अड़चन है, बॉम्बे के अंदर भी अड़चन है, बॉम्बे के बाहर अड़चन है, यानी हम सब हेल्पलेस हो जाते हैं। इस हेल्पलेसनेस से तो बाहर निकलना, क्योंकि हेल्पलेसनेस से हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हम मूवमेंट को जितनी तेजी से बढ़ाना चाहते हैं वो गतिशील नहीं हो पाएगा। गतिशीलता किसी मूवमेंट की बहुत बड़ी गरज है, और जिस आधार पर पूरे देश के अंदर भयग्रस्त समाज बनाया जा रहा है, अपाहिजित समाज बनाया जा रहा है, हेल्पलेस असहाय समाज बना रहा है, भुखमरी ग्रस्त समाज बनाया जा रहा है, दारिद्र ग्रस्त समाज बनाया जा रहा है, ऐसी स्थिति में हम अगर आलस को नहीं त्यागते और जिद को नहीं बढ़ाते, आलस को त्यागना और जिद को बढ़ाना, ये दोनों ही अगर हम प्रोपोर्शनल नहीं बढ़ाते हैं तो हमारा मूवमेंट स्लो हो जाएगा। ये आप, इसीलिए मैं महाराष्ट्र में स्टार्टिंग बोला कि मुझे महाराष्ट्र में काफी स्लो नजर आ रहा है, कैसे करें। तो आप लोगों ने, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ क्योंकि परिस्थितियां हैं, मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं, मैं किसी एक इंडिविजुअल को ब्लेम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं किसी को इंडिविजुअली पिन पॉइंट नहीं करने जा रहा हूँ। मेरा आपस ये है कि आप लोगों ने मिलजुल कर रास्ता निकालने की बात करना चाहिए। आप लोग अभी तक इंडिविजुअल सोच रहे हो, एक या दो लोग मिलकर सोच रहे हैं, एज ए पूरे महाराष्ट्र की टीम बन के नहीं सोच रहे। क्या बोल रहा हूँ, अगर आप 15-20 लोग मिलकर टीम बन के, हमको ये संकल्प लेना है, इस संकल्प से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि दुश्मन ने जो हमारे सामने सिचुएशन पैदा की है वो बिना संकल्प के इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये मैं आप लोगों को बहुत स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूँ कि जो सिचुएशन पैदा की उन्होंने, हम मूव नहीं कर पा रहे ना ये सारा, तो इसमें बिना संकल्प के, तो जहां जिसको जैसा रास्ता मिल सकता है, जहां सुझा, तो इसमें ये नहीं कहा कि मेरी प्रेस्टेज कम होगी, इसकी प्रेस्टेज ज्यादा होगी, ये प्रश्न को छोड़ दीजिएगा। और इंडिविजुअल हम सादा लेमन होकर जाए लेमन होकर जाए तो वहां तो काम बन सकेगा। आपने, मैं जब साहब के हाथ में मैं ये प्रोग्राम करता था तो मेरे को साधारण तौर से बुला लिया जाता था, मैं चला जाता था, पर लेकिन वहां 8-10 ही लोग बैठे, निराश नहीं होता था, चर्चा करके शाम को रिटर्न आ जाता था, लेकिन मैं मूव होता था। मूव होने की मेरी आदत मैंने डाल रखी थी, क्योंकि बिना मेरे मूव के दूसरे लोग मूव नहीं होंगे। अम्बेडकर साहब तो आ जाते हैं तो फिर हड़कम मच जाती, भाई चले नहीं तो साहब आया तो हमको तो इकट्ठा, जो नहीं आते थे अम्बेडकर साहब आए तो जो 5 नहीं मिलते थे वो 25 हो जाते थे, 5 नहीं होते थे वो 25 हो जाते थे, बात बन जाती थी। ये कांशीराम जी का नुस्खा है, ये जो मैंने जो बोला ना, ये मैंने, कांशीराम जी भी इसी प्रकार से लोगों को मोटिवेट, कैसे नहीं होता, क्योंकि वो इसीलिए बोलते थे तमन्ना सच्ची हो तो रास्ता निकलते।
ये इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट उनका था वो अपने मूवमेंट के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आपको केवल इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, रास्ता निकलते हैं। सो एनी हाई बोलिए भाई, और क्या बोल, कौन अपने बात रखना चाहेगा? सभी ने अपनी अपनी बात रखना चाहिए, मैं नाम नहीं लूंगा, सबने अपनी अपनी बात रखना चाहिए। मैं कुछ बोल सकता हूँ सर? बोलिए भाई, आपको तो जनरल सेक्रेटरी, आपको तो हर प्रदेश में बोलना चाहिए। सभी साथियों को मेरा जय भीम। जो साहब ने कहा है उसमें मेरा अपना एक अलग तरीके का इंटरप्रिटेशन है इस मामले में। जैसा कि अभी हमारे भाई अमर सिंह साहब ने कहा कि परमिशन नहीं मिलेगी, 100 सभाओं से 150 लोगों के लिए परमिशन नहीं। प्रैक्टिकल सोचिए आप, 100 सभाओं से 150 लोग इकट्ठे भी नहीं कर पाएंगे और इकट्ठे होंगे भी नहीं। आप कोशिश करिए, नहीं होंगे। आप 20-25 लोगों को बॉम्बे में 20 लोगों को बुलाएंगे तो 15 लोग आएंगे। किसी भी साथी के घर पे, चाहे अमर सिंह साहब के घर पे, चाहे सुरेश गमरे के घर पे, चाहे महेंद्र थोराट के घर पे, दारोले साहब के घर पे, एक दिन आप सब लोग इकट्ठे होइए। कितने लोग इकट्ठे हो पाएंगे मालूम है? 12-14-15 लोग ज्यादा से ज्यादा, और 15 लोगों को एक आदमी ट्रेनिंग लगाए एक दिन, और अगले संडे को दूसरे साथी के घर पे इकट्ठे हो जाओ, दूसरा आदमी एक ट्रेनिंग कैंप लगाए। जैसे ही आपका मोबिलाइजेशन शुरू होगा आप निकलना बाहर शुरू करिए, क्योंकि जैसे आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि 150 लोग इकट्ठे, 150 होंगे ही नहीं इकट्ठे, पूरी ताकत लगा देना आप 15-20-25 से ज्यादा इकट्ठे कर ही नहीं पाएंगे। और 15-20-25 आप किसी के घर भी बैठ के बात कर सकते हैं, जो मैं आगरा में कर रहा हूँ, जो मैंने आगरा में शुरू किया है, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की, ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। लेकिन हम ज्यादा इकट्ठे नहीं कर पाएंगे और कम लोगों को ट्रेनिंग नहीं देंगे तो बात बनेगी नहीं ना। और कम लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए हमें किसी हॉल की और किसी सामुदायिक भवन की या किसी कम्युनिटी हॉल में जाने की जरूरत नहीं है। किसी के भी घर पे बैठ के हम एक चाय पी करके, चाय बिस्किट के साथ 3-4 घंटे 5 घंटे अपने सब्जेक्ट पे डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जब आप ये आदत आपकी बॉम्बे में पड़ जाएगी एक दूसरे के घर पे जाकर के, सो इस साहब का जो वर्जन है ना कि आप दूसरी जगह निकलना शुरू कर देंगे, हिच भी खुल जाएगी और घर से निकलने की आदत भी खुल जाएगी, दोनों बातें हो जाएंगी। घर से निकलने की मूवमेंट के लिए आदत पड़ जाएगी और हमारी हिच भी खुल जाएगी। जैसे ही हिच खुली उसके बाद कभी सतारा निकल गए, कभी बीड़ निकल गए, कभी ब्रह्मपुरी निकल गए, कभी इधर नागपुर निकल आए, कभी नासिक निकल गए, कभी पूना निकल गए, कहीं निकल गए, चले गए अपने जहां भी जो अपना वर्कर है उसके घर पहुंचे, यहाँ भी लपका इकट्ठे करो, वो भी 25-30 इकट्ठे कर पाएगा। और 25-30 लोगों को आप सवेरे 10 बजे 10:30-11 बजे से लेके 4-4:30 बजे तक बताएं और उसके बाद अभी ट्रेन पकड़ो वापस हो जाओ, बस काम चल पड़ेगा। जो अगर व्यवहारिक रूप में सोचेंगे तो, नहीं तो आप काम करोगे तो मेरी बात आपको याद आ जाएगी, इससे ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे, होते भी नहीं है इकट्ठे, हमें पता है, बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। क्योंकि आगरा में भी मैंने, आज हमारे पास हमारी पूरी टीम आई थी, मैंने उन सब लोग जो बैठे थे उसका फोटो साहब को शेयर किया है, हमने यही प्रोग्राम बनाया है कि, और मैं आपको बता दूं मेरा अभी ट्रेनिंग कैंप परसों हो चुका है, शनिवार को एक फिर होने जा रहा है, संडे को भी एक होने जा रहा है, अगले शनिवार को भी है, अगले संडे को भी है, 23 तारीख को भी है, 24 को भी है, और 31 को भी है, और 26 तारीख को भी है। यही सिस्टम अपनाया, जिसके घर पहुंचे आसपास के अपने एरिया के 15-20-25-30-40 लोग इकट्ठे करो और घर में बैठो, घर में नहीं हो छत पे बैठ जाओ, फर्श पे जाके बैठ जाओ, कुर्सी नहीं है तो, बस अपनी बात रखो। क्योंकि जब हम काम करना शुरू कर देंगे ना, सो रास्ते निकलना शुरू हो जाएंगे, विचारों का आना शुरू हो जाएगा, नए सजेशंस का आगमन शुरू हो जाएगा, एडिशन और वो करेक्शन और वो जो होता है ना वो सब होना शुरू हो जाएगा। ये मेरा एक अनुरोध है, ऐसा अगर करते हैं तो हम इम्प्लीमेंट अपनी जो जो हमारी आइडियोलॉजी है उसको इम्प्लीमेंट करने में हमारी मदद हो जाएगी। ये थैंक यू, बस इतना ही कहना चाह रहा था। नारद सिंह जी ये बात भी सोच रहा हूँ, लेकिन आज की सिचुएशन तो ये है, मतलब फिर बात वही आएगी, सर कहेगा इंडियन मेरे घर में पूरा काम चालू, घर में रहने के घर छोड़ो यार, सुरेश घमरे के घर में बैठो, दारोले साहब के घर में बैठो, महेंद्र थोराट के घर में बैठो, यार बॉम्बे में आके अकेले आप नहीं रहते हो ना। और बात बता रहा हूँ बॉम्बे में लोकल ट्रेन पब्लिक के लिए आज भी अलाउड नहीं है, आपको ये भी बस से जाना पड़ेगा भाई। और ये जो है ना दारोले साहब नई मुंबई में रहते हैं,
मैं अगर यहाँ से बस से जाऊँ तो जाने को मुझे 4 घंटा लगेगा। तो जाना तो पड़ेगा ना, 4 घंटे लगे चाहे 5 घंटे लगे। अब मुझे जैसे मुरादाबाद जाने की तैयारी चल रही है तो मुरादाबाद 8 घंटे लगते हैं, वो आउट ऑफ सिटी जाना है तो उस स्टेट से जाना है, लेकिन ये सिटी की पोजीशन है आज बॉम्बे की। हाँ हो सकती है, लोकल अलाउड नहीं की गई हमारे लिए आज भी। महेंद्र थोरा जी बरोबर बोलते है ना, लोकल अलाउड नहीं है लेकिन तो भी कुछ रास्ता निकलना चाहिए। नार सिंह सर ने अच्छा सजेशन दिया है। हाँ दारुले साहब बोलिए प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय नार सिंह साहब ने जो सजेशन दिया है वो सर, मैं वो बंदा हूँ जिसने एक आदमी का कैडर कैंप लिया है, सिर्फ एक आदमी, और इसका इसका साक्षी अपने सुरेश गमरे जी हैं। हम दोनों ने मिलके 100 आदमियों का हॉल बुक किया वाशी में, बहुत पुरानी बात है, मेरे ख्याल से सन 2001 या 2002 की बात है शायद, और हमने तकरीबन 150 लोगों को फोन कॉल करके बुलाए और आया एक बंदा वो भी 12 बजे, फिर हमने उसको समझाया पूरा 6-7 बजे तक, बाकी 99 कुर्सियां खाली रही। ब्लैक बोर्ड पे मैंने समझाया, गमरे जी से पूछिए, वो कभी कभी अपने डेलिब्रेशन में इसका उदाहरण भी देते हैं। कितनी प्रैक्टिकल बात कही आपने, कितनी प्रैक्टिकल बात कही, वही मैं कह रहा हूँ आपसे। हाँ तो सर मैं यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये जज्बा हम लोगों में है, हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन का जो जो सही में वो सिचुएशन ऐसी है कि आज कल हम लोग यहाँ, मैं BRC कॉलोनी में रहता हूँ, यहाँ किसी के घर में भी एक दूसरे के चाय पीने नहीं जाते आज भी लोग, वो डर की वजह से। तो अभी थोड़ा थोड़ा आना जाना चल रहा है, तो मैंने ये सोचा इसके ऊपर कि हमारे यहाँ छोटे छोटे ऑफिस है, जैसे SC ST का ऑफिस है, यहाँ एक बुद्ध विहार है, या फिर हमारे नवी मुंबई में जो संस्थाएं जिनमें मैं फाउंडर मेंबर हूँ उनके बुद्ध विहार है, उनके स्मारक है बने हुए, हाँ मैं 20-25 लोगों को बुला सकता हूँ, लेकिन समस्या वही है जो अभी अंबर सिंह ने बताया, इन्होंने ये बताया कि ट्रेन्स की समस्या है, ट्रेन्स, और ट्रेन क्या होता है कि आवागमन का सबसे सस्ता और फास्टेस्ट ये सोर्स है आज की तारीख में, और बाकी ट्रेन बस में नहीं और इसमें जाना तो बड़ा मुश्किल का काम है। मुंबई से अगर दादर भी जाना हो मुझे यहाँ से चेंबूर से, तो बस में जाने के लिए मुझे 1-1.5 घंटा लगता है, जबकि है वो 7-8-10 किलोमीटर का रास्ता, बस इतना ही है। और तो ये समस्या है मुंबई में, ट्रैफिक जाम ये वो सब तो है, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं। आज आज की बात बताता हूँ, आज हम लोग मिलने वाले थे 4 लोग 5 लोग, आज नहीं मिल पाए, अचानक दोनों लोगों को काम आ गया, शरद कामले जी को काम आ गया, गमरे जी को काम आ गया, सुबह ही फोनाफोनी हो गई हमारी कि आज नहीं मिल पा रहे। आज हम लोग मिलने वाले थे, सही में कह रहा हूँ आपको, मैंने सर को बताया भी 3 दिन पहले कि सर हम लोग ट्यूसडे को मिल रहे हैं, तो ये हो रहा है, समस्या ही है, लेकिन इसमें से हम लोग निकलेंगे, बहुत जल्द निकलेंगे, एंड वी विल ऑल्सो कम एट पार विद यू ऑल, और मैं समझता हूँ आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपसे हमको भी प्रेरणा मिलेगी और हम करेंगे, पक्का करेंगे, इससे रास्ता निकालेंगे हम लोग, हमारी साथ जो अपेक्षाएं हैं साहब की वो हम जानते हैं, और थोड़ा बहुत मार्गदर्शन उनसे भी मिलता रहेगा, इसके भी हमें पूरा इत्मीनान है कि ये मिलता रहेगा, और हम लोग रास्ते निकालने वाले लोग ही हैं, हम लोग अपना रास्ता निकालेंगे, जल्द ही आपको एक शेड्यूल बना के देंगे। मैं सबकी तरफ से मैं ये आप सबको बताना चाहता हूँ, मेरे साथी जरूर मेरा ये शब्द जो है ये बिल्कुल सोच के इसके ऊपर सहकारिता से काम करेंगे मेरे साथ, मैं जानता हूँ, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देम। तो ये हम आपका पूरा ये शेड्यूल बना के जो है अगले 8-10 दिन में हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और किसी तरह से ये रुका हुआ जो काम है इसको शुरू करेंगे, 1 दिन 2 दिन जिस भी तरह से, कन्विंसिंग मीटिंग, जो भी तरीका है, जो भी तरीके से हम इसको फैला सकते हैं वो करेंगे। वैसे इंडिविजुअल बात तो हमारे लोग मिलते हैं, अपने तो मिलते हैं, तो बात होती रहती है, ये बात तो है, ये सबके साथ में है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। गौतम मौर्य जी कुछ बात करना चाह रहे हैं जी? सर
हम लोग जामवाली साहब के साथ में मिलके काम कर रहे हैं और आज की मीटिंग के लिए भी 3-4 लोगों से मैंने रिक्वेस्ट किया, जैसे कि डीटी बनकर है, संजय वाड़के सर है, वाड़के मैडम है, वो पुराने एक्टिविस्ट है, और वो जो माटे सर है, तो उन्होंने हाँ बोले थे लेकिन वो पार्टिसिपेट किसी वजह से नहीं किए। तो पिछले 25 तारीख को भी हमने कैंप लिया था, उसमें ज्यादा पार्टिसिपेंट नहीं हुए थे, तो हमारा प्रयास चालू है। और मालूम नहीं लोग थोड़े से निराश हुए हैं, तो उनको आशावादी कैसे बनाया जाए, ये सबसे बड़ी बात हमारे सामने। अगर शादी ब्याह में हम अगर 200 लोग बुलाते तो 300 आती है, 400 बोला तो 500 आते हैं, जहाँ 1000 का टारगेट रहता है 1500 आते हैं, लेकिन प्रोग्राम के नाम से बहुत ही लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है। और वैसे ब्रह्मपुरी के लोग दूसरे संगठन से जुड़े हैं, इसलिए हमें दिक्कत आ रही है सर। थैंक यू सर। निराश होने का कुछ कारण है, निराश होने का कारण आप ढूंढ लो। सहकारियों, मैं तो पहले मानते हैं नाहर सिंह साहब का जो सजेशन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो ये जिम्मेदारी के वजह से और उसके नाते से मैं ये सोच रहा हूँ कि ये संडे को जो पहली मीटिंग है मैं मेरे घर पे अभी न्योता देता हूँ, कैडर कैंप होगा। अब मेरे घर का थोड़ा भी चल रहा है, जैसे ही वो खत्म होता है तो पहले नए रिनोवेटेड घर में हम लोग 15-16 मेरे हॉल में लोग बैठ सकते हैं, कुर्सियां भी है, तो इस तरह से ये काम शुरू करेंगे। ये बहुत अच्छा सजेशन है, नंबर वन। नंबर टू, साहब हमेशा कहते थे यू शुड कमांड द सिचुएशन एंड नॉट टू डिमांड द सिचुएशन। परिस्थिति के ऊपर काबू पाना आना चाहिए, ना कि परिस्थिति मांगना चाहिए। यू शुड कमांड द सिचुएशन नॉट टू डिमांड द सिचुएशन, ये फॉर्मूला लेके वी हैव टू ऑपरेट इन द वर्स्ट सिचुएशन। इस बात को हम मद्देनजर रखते हुए मैं ये सजेस्ट करना चाह रहा हूँ अपने बाकी सहकारियों से कि हमारे 6 कमिश्नरेट हैं और 6 कमिश्नरेट में पूरे 36 जिले कवर है, उसमें 6 जिले हैं, किसी में 5 जिले हैं। तो इस तरह से हम हर एक कमिश्नरेट को ये जिम्मेदार लोग हमारे साथ जो है वो वही कमिश्नरेट के होंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, तो उसको संभाल कर उनको परमिशन दिया जाए कि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज कन्वीनर को अपॉइंट कीजिए और इस तरह से हम जाल बुनेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का और इसके ऊपर अमल करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, तब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यह बन सकेगी। और मैं कुछ कहने के पहले या मैं कुछ बताना जरूरी है ऐसा कभी कभी लोग बोलते हैं, तो ये जरूरी नहीं होना चाहिए, अपने आप उन्होंने एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि विचारों में तो कोई फर्क नहीं है, विचारधारा सेम है, वैचारिक बैठक सेम है, पंचसूत्री कार्यक्रम है, क्या करना है क्या नहीं करना है, डायरेक्शन तो हमें सेंट्रल ऑफिस से आ रही है और हम नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी में सभी लोग इसको अंजाम दे रहे हैं। तो इतनी क्लैरिटी बहुत हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छी है और ये बात को बढ़ावा देने वाली है। सिर्फ कमी है तो हम लोग समय नहीं दे पा रहे और जो डायरेक्शन दिया दिशा निर्देश है उसके ऊपर
स्पीड से चल नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और जब कमिश्नरेट और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज, पहले तो बाद में तालुका वाइज सेक्टर वाइज वो तो बहुत दूर की बात है, मगर अभी फिलहाल 36 लोग तो एक एक जिले के हो जाए और 6 कमिश्नरेट हो जाए, यह हमारी कोशिश रहेगी। रही बात ट्रायंगल की, ट्रायंगल तो आप जानते हैं बॉम्बे पुणे नासिक, उस के जो डिस्ट्रिक्ट है ट्रायंगल है, ज्यादा कंसंट्रेशन बॉम्बई में है, ज्यादा ट्रेनर, ज्यादा नेशनल एग्जीक्यूटिव लेवल पे विचार रखने वाले और बात को बढ़ावा देने वाले बॉम्बई और पुणे है, बहुत अच्छी बात है। उनको ऊपर जिम्मेदारी भी है, वो तो पहले निभानी चाहिए, अगर उसमें से थोड़ा समय मिलता है तो मैं ये ऑब्जर्व किया हूँ कि हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप है, तो इस कम्युनिकेशन गैप को पूरा करने के लिए जो नाहर तो तरीका बताया वो बहुत अच्छा होगा। हम लोग हफ्ते में 2-3 बार एक दूसरे को मिशन की गप्पा लगाना चाहिए, मिशन कैसे कैसे हो रहा है, कम्युनिकेशन हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। अब समय की तो कमी है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, सभी लोग काम कर रहे हैं, व्यस्त है, अपना रोजी रोटी का भी सवाल है, इसके बावजूद हम थोड़ा देर, थोड़ा अच्छा क्वालिटी समय मिशन को दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग कमिश्नरेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज विभाजन करें, हर एक को डिस्ट्रिक्ट का कन्वेनर सौंप दें, जहां कमी है उनको 3-4 डिस्ट्रिक्ट का एक कन्वेनर अपॉइंट करें और इस तरह से काम करे तो अच्छा होगा। ये मेरी समझ है। बोलिए और कोई साथी, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो एजेंडा है, हाउ टू स्ट्रेंथन द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट इन द महाराष्ट्र, क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र अग्रेसर रहा है, फिर हमारे यहाँ बात क्यों नहीं हो रही है? पहले तो बात हो इतिहास है, हम इतिहास जानते हैं तो इतिहास बनाना भी चाहिए। तो मैंने ये दुख भी बता दिया, मेरा समय बहुत कम लग रहा है, ये भी मुझे नहीं, रूरल एरिया मध्ये गमरे जी, हाँ, कुठेही कार्यक्रम असेल, जर ह्या आपल्या मुंबई झोनच्या बाहेर कुठेही कार्यक्रम होत असेल आणि कार्यक्रम झाला पाहिजे तर जायला आपण मुंबईच्या बाहेर मूव व्हायला, वी आय एम रेडी एट एनी टाइम। तर जोपर्यंत बोलू का, मुंबईच्या ही जी परिस्थिती आहे या परिस्थिती विचारून घेऊन जो रुरल एरिया आहे आपला, ग्रामीण एरिया आहे, या ग्रामीण एरिया जायला वी आर एवर रेडी एट एनी टाइम टू गिव द सर्विस। हाँ बोलिए सर। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ गमरे जी, आप अभी 6 कमिश्नरेट का जो बात किया वो बिल्कुल सही है, वो हमारा ओल्ड पैटर्न भी रहा है काम करने का। तो वी विल, आई रिक्वेस्ट यू टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस 6 कमिश्नरेट टू इंडिविजुअल ट्रेनर्स, और आप, मैं ये समझ रहा हूँ कि हम सबको थोड़ा सा वक्त चाहिए प्लानिंग और उसका सब शेड्यूलिंग करने के लिए, तो हम लोग तो मिलेंगे ही, मुंबई वाले तो मिलेंगे ही 2-4 दिन में, लेकिन बाकी लोगों को भी थोड़ा समय देंगे सर अगर, तो एक हफ्ते भर का, देन वी विल कम बैक विद द फुल फ्लेज्ड शेड्यूल एंड अवर जो भी प्लानिंग है वो सारा आपके सामने रखेंगे।
ये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा इसके बारे में सोचें। चौहान सर आपने सही कहा कि बम्बई में दिक्कतें वगैरह है, मगर बम्बई में तीन जिले बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैं देख रहा हूँ। बम्बई एक कोंकण डिवीजन में आता है कमिश्नरेट, यहाँ रायगढ़, ठाणे और पालघर और बम्बई, बम्बई सबर्बन, ऐसे पांच जिले एक ही जगह पे है जहाँ 15-15 रुपये में, 20-20 रुपये में ट्रेन शुरू होने के बाद जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो पहले तो हम सात का पुणे नासिक लेकर बम्बई में भी कंसंट्रेट करेंगे तो बहुत बात आगे बढ़ सकती है और एसटीएम को सक्सेस किया जा सकता है। तब तक जो हमारा रीजन है, पश्चिम महाराष्ट्र है, विदर्भ है, मराठवाड़ा है, खानदेश है, उसमें हम जाके एक प्रोग्राम फुल फ्लेज ले सकते हैं ना, वहां पर ले सकते हैं ना। उसके लिए तो हम लोग कभी भी जा सकते हैं, इवन आई एम रेडी। वही मैं बोल रहा हूँ कि वहां पर अगर हम ये प्लानिंग करते हैं तो इट्स मतलब बहुत अच्छा ही रहेगा, वही मैं बता रहा हूँ। मतलब कनेक्टेड है तो ज्यादा घूम फिर के आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम हो सकते हैं, हम लोग सारे तरह महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में डिस्पर्स भी हो सकते हैं, कोई इधर में चला जाएगा, कोई मराठवाड़ा में चले जाएगा, कोई पश्चिम मराठी में, कोई खानदेश में चला जाएगा। हेलो गमरे जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, दिगंबर साहब एक मिनट मैं बोलता हूँ, जस्ट प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, एक मेरा सजेशन है, यू कॉल अप अ सेपरेट मीटिंग ऑफ ऑल दिस पीपल हु आर प्रेजेंट टुडे एंड वी विल डिस्कस इन लेंथ एंड डिसाइड अवर मोडालिटी, कैसे करना है, क्या करना है। हम लोग अपना होमवर्क करेंगे, हर एक को अपना होमवर्क करके आना है और अपने अपने प्लान्स बताने हैं किस तरह से कैसे शेड्यूलिंग करना है, और हम सब मिलके करेंगे इसको। दैट इज व्हाट आई वांट। ठीक है दारुल सर, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बोला बोला सर। जहां तक हम बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से एक पहला मुद्दा ये मेरे समझ में आ रहा है, साहब जो बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऐसा क्यों हो रहा है, तो मुझे पहला मुद्दा लगता है कि यहाँ अंबेडकरवादी बहुत सारी मूवमेंट चल रही है और हरेक आदमी किसी न किसी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, और इस मूवमेंट में बहुत सारे लोग निराश हो गए हैं और उनको दिखता है कि भाई ये हो शकत नहीं, जो पीआर साहब ने और मान्यवर साहब ने, कांशीराम साहब ने कहा था हो शकत नहीं, वो जो लहर है वो अभी गई नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि हो शकत नहीं। सबका अनुभव हमने लिया, ये संगठन ऐसा है, वो संगठन ऐसा है, सबके टुकड़े 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 हो गए, जिसके ऊपर लोगों का भरोसा था वो भी सब इतर बितर हो गई है और अनेक टुकड़ों में बढ़ गई है। इसकी वजह से मूवमेंट पे का किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए और किसके ऊपर नहीं करना चाहिए, ये लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, पढ़े लिखे लोगों के भी समझ में नहीं आ रहा है, और इसकी वजह से सब लोग नैराश्य में है, उनका भरोसा उड़ चुका है मूवमेंट पर से करके, वो किसी को प्रतिसाद नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि बाकी के जो लोग है तो ये समझ यहाँ ऐसा दिख रहा है मेरे को महाराष्ट्र में कि अंबेडकरवादी मूवमेंट बोले तो एक महारों की मूवमेंट है, ये पक्का समझ अदर कास्ट के माइंड में बैठा हुआ है, ये अंबेडकरवादी मूवमेंट ये हमारी नहीं है। तो फिर अलग अलग मूवमेंट निकल गई, विमुक्त भटकियों की अलग अलग, वो भी ज्यादा बहुत सारी मूवमेंट हो गए, मैं वो तो नहीं बोल रहा, मैं अकेले बंजारा समाज की बात कर रहा हूं कि कम से कम
सौ तो मुझे मालूम है, कल एक कुछ लोगों ने बोला कि भाई 150 मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए अकेले बंजारा समाज में 150। तो किसके पीछे जाना? आज बंजारा समाज संभ्रमित है कि हम जाना तो किसके तरफ जाना, और कोई भी वे आउट नहीं निकाल रहा है। कौन से प्रॉब्लम आ गए? आज वो भालचंद्र नेमाड़े करके जो लेखक है उसने कादंबरी लिखी है हिंदू, तो वो कादंबरी में बंजारा समाज के लेडीज के बारे में बहुत बुरा बुरा लिखा है उसने। तो वो 2010 को लिखा है, उसके 10 आवृत्ति निकल चुकी है और उसमें बहुत बुरा बुरा लिखा हुआ है बंजारा लेडीज के बारे में। तो अभी हमें को पढ़ने को मिली है, तो ये 4-8 दिन में वो इश्यू अखा महाराष्ट्र के लोगों को मालूम हो गया, अब वो उठा रहे हैं। फिर भी ये इश्यू के बारे में मोहन चौहान को एक नागपुर के हमारे प्रेसिडेंट है नागपुर के डॉक्टर गणेश चौहान करके, उन्होंने वो उसके ऊपर समीक्षा लिखी, लोगों को बताया, फिर वो मोहन चौहान के समझ में आई और उन्होंने फिर मुझसे बात की। तो मैंने बोला ठीक है, ये इश्यू है, हम पहली मीटिंग रखेंगे। और कल के संडे को हमने पहली मीटिंग रखी थी, तो उसमें हमने एम्प्लॉयज के साथ साथ सब लोगों को भी ज्वाइन किया था और उसके ऊपर डिस्कशन हुई। अब ये इशू हम ले रहे हैं तो सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं उसके बारे में। ये नहीं, मैं बताने का मतलब मैं पूरी हिस्ट्री नहीं बताऊंगा ये इशू की, सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि ये जो इशू हुआ इसके ऊपर कोई कन्फर्म नहीं है क्या करना चाहिए, यही समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सिचुएशन पूरे हरेक कास्ट की है, ओबीसी समाज के लोग ये अंबेडकरवादी मूवमेंट से जुड़ना ही नहीं चाहते हैं, वो उनका अलग प्लेटफॉर्म निकाल के चल रहे हैं, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस अंबेडकरी मूवमेंट में से सब लोगों को कुछ ना कुछ थोड़े, जैसा मुंशीराम चटावले ने उस दिन साहब के सामने इश्यू रखा था कि भाई हमारे कास्ट को अपना कहने वाला कोई नहीं है, यही बात कम ज्यादा प्रमाण में महाराष्ट्र में भी है अदर कास्ट के बारे में। इन लोगों को हमारा कहने वाला कोई नहीं, किसी ने बहुत सारे लोगों ने यूज करके उनको फेंक दिया है करके, एक तो ये लोग नजदीक नहीं आ रहे। ये ऐसी सिचुएशन में आज हमारी मूवमेंट, हमें मालूम है जो ट्रेनर्स है जो जिसने ये सुना है उनको लगता है कि नहीं हम इस मूवमेंट के माध्यम से कामयाब हो सकते हैं, ऐसा कुछ थोड़े गिने चुने हमारे जैसे, ये आज जैसे अखा महाराष्ट्र में से हम 13-14 लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इनके ख्याल में आता है कि भाई नहीं ये प्रॉपर वे है। मगर ये समझाने के लिए जो एक डिवोशन चाहिए कि नहीं मैं ये समझाऊंगा, इन एनी हाउ मैं जाके घूमूंगा समझाऊंगा, इसके लिए हमारे पास महाराष्ट्र में ये सिचुएशन तो इसके ऊपर क्या इलाज है, तो ये सोचने के लिए हमारे जो महाराष्ट्र के साथी है इन्होंने इकट्ठा बैठ के इसके ऊपर मार्ग निकालना चाहिए। तो आज हमें ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के हम आत्मपरीक्षण अगर करने लगे तो हमारा एक दूसरे से कांटेक्ट जो होना चाहिए, जो दिल जमाई होनी चाहिए, एक दूसरे के अपनापन होना चाहिए, वो ही नहीं दिख रहा है। मुझे तो दिख रहा है, मैं स्पष्ट बात करता हूँ, किसी को अच्छा लगता है किसी को बुरा लगता है, बहुत बारे मैं मुंह पे भी गिरा हूं ऐसी बातें करके, फिर भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये बात पहली है, एक तो सिचुएशन महाराष्ट्र का ऐसा है, दूसरी बात यह है कि हम जो फ्रंट में आके काम करना चाहते हैं हम जवाबदार हम समझते, ये बात है। तीसरी बात यह है कि पीआर साहब ने हमें सबको बहुत ऊंचाई पर लेके गए, हमें इतना ऊंचा उठा दिया कि हम हवा में ही घूम रहे हैं, ऐसा उड़ रहे हैं हवा में, ऐसा मुझे लगता है कि हम हवा में उड़ रहे हैं। और उस हिसाब से हम एक दूसरे को मैं कितना अच्छी बात करता हूं, मैं कितने कम पर, और ये मैं पना जो किसी हमारे समझो, मैं ये समझता नहीं, दिगंबर राठौड़ अभी तो कोऑपरेशन ऑपरेशन का इंचार्ज हो गया, चेयरमैन हो गया हूं मैं, इतना ही नहीं मैं तो ज्वाइंट कन्वेनर हो गया हूँ, ये भी नहीं है मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ,
ये सब बातें मेरे अंदर घुस गई, ऐसा मुझे लगता है कि मैं हवा में उड़ने लगा। तो इसकी वजह से भी कुछ थोड़ा सा एक दूसरे से मिलने से ये बाधाएं ये आ रही होंगी, ऐसा ही मुझे लगता है। और अगर हमने डिवोशन करने का निश्चय किया है, नहीं हमें पीआर साहब जो मोमेंट चला रहे हैं उसमें जान झोंक के काम करना, एक जब हम डिसाइड कर लेंगे तो हमारे एक दूसरे के अंदर भाईचारा, अभी जो हम जो पदाधिकारी है या जो ट्रेनर है उनके अंदर अगर भाईचारा निर्माण हो गया और हमने अगर काम बांट के लिए, हम ऊंचाई पे नहीं उड़ने के बजाय हमने अगर काम बांट लिए, मैं तो ये पहले ही बोला था कि भाई मैं ज्यादा झेप नहीं मारना चाहता हूं, मैं पैर के तरफ देख के ही मेरा एरिया मैंने जो काम किए वाला है मराठवाड़ा मैं संभालूंगा। और ये मराठवाड़े से मेरी जिम्मेदारी है कि वो पीछे क्यों जा रहा है आगे क्यों जा रहा है इसके बारे में मैं सोचूंगा। अगर दूसरे ने नागपुर विभाग ले लिया तो उसने वहां तक सोचना चाहिए, तीसरे ने अगर अमरावती विभाग ले लिया तो उसके बारे में सोचना है, चौथे ने बंबई ले लिया तो उसके बारे में सोचना चाहिए, पश्चिम महाराष्ट्र जिसके तरफ है उसने उसके बारे में। ऐसा अभी जो गमरे साहब ने भी बोला और दारोले साहब ने भी बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क ये होना चाहिए और जिम्मेदारी खुद की उसने उठानी चाहिए। अगर ये हम जिम्मेदारी उठाते हैं तो एक दूसरे के अंदर काम करने की होड़ लगेगी, चढ़ावड़ लगेगी या कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। तो मराठवाड़े से इतने जुड़ गए, मेरा एरिया पीछे रहेगा, ये कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगा तो काम डेफिनेटली बढ़ेगा। और प्यार से चढ़ावड़ बोले तो ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर एक दूसरे से कोऑपरेशन लेके हम काम अगर बढ़ाने लगे तो मैं सोचता हूँ हम पीआर साहब की जो अपेक्षा है हमारे तरफ से वो हम पूरी कर सकेंगे। और ये प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा हमने इसके पहले ही बोल चुका हूँ कि ये टारगेट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं पांच लोग बढ़ाऊंगा तो पांच बढ़ाऊंगा, ठीक है मैं पांच दिन बोला हूंगा या दस दिन बोला हूंगा, 15 दिन लग जाने दो, मगर उसका इफेक्ट आना जरूरी है। अब मैंने जब ये ऐसा सोचा था, मेरे बारे में बोलता हूँ पर्सनल मत बोलो करके साहब ने बोला है, मगर फिर भी मैं सोचता हूँ कि मैंने मराठवाड़े में से 5-25 लोगों को जोड़ने की कोशिश की, मैं हुआ क्या, हम जब नेशनल लेवल पे इकट्ठा मिल रहे थे तो लोग इंटरेस्ट ज्वाइन भी हो रहे थे, मगर बाद में जो स्टेट वाइज अलग अलग हो गए तो उसमें थोड़ा इफेक्ट हुआ, क्योंकि वो कम्युनिकेशन और उनको हैंडलिंग, ये लोगों को हैंडलिंग करने में हम कहीं तो भी कम पड़े। और एक दूसरे का जो उस टाइम में समझदारी से वो बातें निभा के लेनी चाहिए थी वो भी हमारे अंदर नहीं हुई है। आत्म परीक्षण की बात है करके मैं बोल रहा, मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, मगर ये जो जनरल दिखता है उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो सहकारियों मुझे ये लगता है ये बातों को अगर हम अच्छी तरह से आत्म परीक्षण करेंगे और उसके ऊपर वे आउट निकालेंगे तो हमारे जो जिम्मेदार है, साहब ने जैसा आज मीटिंग बुलाई है साहब के समक्ष, तो ये मीटिंग हम खुले दिल से अगर साहब के सामने नहीं कहना चाहते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो साहब ने जिम्मेदारी दिए तो निभाएंगे, नहीं तो हमारा काम नहीं है ऐसा सोच के अगर चले तो वो नहीं बनने वाला है। हम खुद बैठेंगे आपस में, मैं कल परसों ही गमरे साहब से ही बात किया था कि गमरे साहब हम कहाँ कम पड़ रहे हैं, तो उनको भी मैं बताया, हमारे बीच में थोड़ा सा ही बताया था, थोड़ा हमारा कम्युनिकेशन में कहीं तो भी हो रहा है पिछली बात, मगर अभी ये जो चल रहा है कल का जो ट्रेनिंग ऑपरेशन शुरू हुआ है तब से और लोग जुड़ना शुरू होगी, कुछ नई बात अच्छी बातें लोगों को मिलने लगेगी तो लोग जुड़ते हैं। और थोड़ा सा रटाला जिसको बोलते हैं बोरिंग अगर होने लगा तो लोग बोलते ये क्या हर रोज का है, क्या ज्वाइन होने का, ये भी साइकोलॉजी लोगों के अंदर रिएक्शन में आती है, क्या वो बार बार वही रहता बार, मगर डिटेल में उनको समझ में ही पूरा नहीं आया, मगर उनकी ऐसी मानसिकता बनती जा रही है लोगों की, तो इसकी वजह से जो लोगों को जोड़ा गया था वो भी लोग आज बैठने में आनाकानी कर रहे, फिर फोन नहीं उठा रहे, फिर तालम टाली कर रहे, ये एक्सपीरियंस आ रहा है मुझे कि उनको अगर फोन किए भाई क्यों नहीं ज्वाइन,
क्या वहां कुछ तो भी रिएक्शन दे देते, ये हाल चल रहा है। और इसके ऊपर जितना अभी ये कोरोना पीरियड में ऑनलाइन में हम अगर बांट लिए कि भाई हमारे पास जब से ये प्रशिक्षण शुरू हुआ हमारा ऑनलाइन, तो तब से आज तक महाराष्ट्र में हम कितने लोगों को जोड़े थे, तो ये लोग जिनके जिनके माध्यम से जुड़े गए थे उन लोगों ने फिर से दोबारा उनसे बारंबार फोन करके या संपर्क करके उनको अगर ये ट्रेनिंग में बिठा दे गए, अभी हमारे इश्यू शुरू हो गए हैं सब्जेक्ट के, तो इसमें अगर बैठने लगेंगे तो उनको और इंटरेस्ट आएगा। और इनके माध्यम से ही हम जहां वहां केटर कैंप लगा के वो एक एक दिन के केटर कैंप सक्सेस कर सकते हैं, और उनके माध्यम से ही नए लोगों को भी जुड़ सकते हैं। और हमारी ये जो विचारधारा है, जो पांच सब्जेक्ट की विचारधारा है, ये बहुत सारे मैक्सिमम लोगों को मालूम नहीं है, जिन्होंने ये ज्वाइन किया है उनको थोड़ी थोड़ी उनके सर पे से चली गई बातें मगर थोड़ी टचिंग हुई है। तो इन लोगों से अपनापन बढ़ा के इन्हें हमें फिर से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं तो स्पष्ट कबूल करता हूं कि मैंने ये महीने में एक भी लोगों को भाई कोशिश नहीं की कि तुम ज्वाइन होते जाओ, क्योंकि जब तक ये वातावरण रेगुलर नहीं हो जाता तब तक इनको लाके वो भाग नहीं जाना, ये भी इसके बारे में भी सोच रहा हूँ, मगर कोशिश करने के बाद ये हो सकता है। और ऐसा मुझे लगता है कि ऐसी ये सिचुएशन के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, महाराष्ट्र की साइकोलॉजी क्या है, इसको क्या सोल्यूशन देना चाहिए। लोग नाराज पहले हो गए हैं, उदास है, मोमेंट के बारे में बोथट, जैसा पीआर साहब ने बोला है कि पहले इसके पहले 21वीं सदी के पहले की जो मोमेंट चली थी वो उसकी आइडियोलॉजी बोथट हो गई, विचारधारा भी बोथट हो गई है, लोग इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो ये नई विचारधारा जो है लोगों के पास पहुंचना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। थैंक्स। यादीर फोटो कार्डन पूछा दे हाँ कोई बोल रहे को नहीं कोई बोल रहे को नहीं 10 बजे ना हो गया। हाँ खाना खाने का समय हो गया लगता है। गए क्या सब? मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि हम 6 कमिश्नरेट के कन्वेनर और 36 जिले के कन्वेनर पूरे अपॉइंट करने के बाद फिर कुछ डायरेक्शन के लिए स्टाफ को ठीक रहेगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जब तक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं होता है, जिम्मेदारी हम लोग बांट के नहीं लेते आपस में, तब तक मुझे लगता है सुचारू रूप से काम नहीं होगा ऐसा मुझे लग रहा है। सर चले गए क्या प्यार सर? नहीं नहीं है साहब है। मेरी आवाज आ रही है ना? अरे खबर सर आवाज आ रही है? यस सर। खबर जी आवाज आ रही है? यस सर यस आ रही सर। हां तो मैंने आप थोड़ा सा गमरे सर यस सर और जो नेशनल लेवल पर जिन्हें मैंने जॉइंट कन्वीनर बनाया, जो जॉइंट कन्वीनर है नेशनल लेवल के और आप, और मैंने एक सेक्रेटरी लेवल पे एक पोस्ट नेशनल लेवल की, इन सारे लोगों के साथ मशवरा करके, क्योंकि महाराष्ट्र का एक बहुत अलग ढंग का स्ट्रक्चर है जो आज से 20 साल पहले नहीं था। और 20 साल पहले में हम 80%
एक ही जाति का प्रादुर्भाव था। आज मैंने वो बहुजन कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करके सभी को योग सम्मान योग भागीदारी देने के लिहाज से मैंने इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिया, और ओबीसी अट्रैक्ट करने के लिहाज से और शेड्यूल कास्ट भी अट्रैक्ट हो, ट्राइब भी अट्रैक्ट हो, इस बात को ध्यान में रख के महाराष्ट्र के लिए मैंने कुछ ऑफिस बीरर अलग अलग जगह से अपॉइंट किया। तो मैं नेशनल लेवल पर करता था, आपको स्टेट लेवल पर जो नेशनल लेवल के हैं उनको तो बुलाइए कि इतने लोगों को आप आजकल बहुत जल्दी बुलाइए, आजकल शाम को ऑनलाइन पे कि भाई आप लोग इतने लोग हैं, जो ऑफिस बीरर नहीं है उनको थोड़ा सा छोड़ दीजिए, जो ज्वाइंट कन्वीनर हैं उनको आपको मालूम है कौन कौन से लोग हैं, 5-6 लोग हैं, और जो नेशनल ऑपरेशन में जिनको हमने इंचार्ज बनाया वो ऐसे लोगों को आप महाराष्ट्र के ही साथियों को जो महाराष्ट्र से बाहर उनको छोड़ दीजिए। अभी ऑपरेशन में एक महाराष्ट्र से बाहर भी है मदद देवगा रोड के साथ, तो मत बुलाइए, केवल महाराष्ट्र के साथियों को बुला के आप जिनको नेशनल लेवल पर पोस्ट दी गई है वो स्टेट लेवल की पोस्ट उन्हें मत दीजिए, क्योंकि उनकी पदेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका एरिया का विकास हो और वो अपने आप को उसके अंदर झोंके, उसमें अपने आप को डिवोट करें, सैक्रिफाइस करें, और इनको लेकर स्टेट लेवल की आप पोस्ट हैं हर जिले को और हर कमिश्नर को एट द अर्लीस्ट पॉसिबल बांट दीजिए इन लोगों के सहकार से। सब लोगों को आप अपना सजेशन दीजिए कि मैं इस तरह से, इनके भी सजेशन लीजिए, और कोई ये ना सोचे कि यहाँ पे पदों की लड़ाई है, ये पद कोई ज्यादा उपयोगी नहीं होने वाले हैं, ये लोगों को ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि काम करने वाला ही आगे बढ़ने वाला है, पद से आदमी आगे प्रमोशन नहीं होने वाला है, काम से आदमी का प्रमोशन होने वाला है। ये सारे साथी इस चीज को नोट करें है? इसके लिए ये दारुण ने बहुत सजेस्ट किया कि हम सेपरेट मीटिंग बुलाएं, और दिगंबर राठौर जी ने, मैं आप लोगों को बहुत गौरव से करूंगा कि एक सीनियर साथी ने एक एक पॉइंट को आप नोट कीजिएगा उनके, उन्होंने 8-10 पॉइंट से ज्यादा उन्होंने बातें जो कोई किसी के दिमाग से इतनी बातें निकलेंगी नहीं, एक साथ इतनी बातें, यानी उन्होंने गंभीर चिंतन किया। आई अप्रिशिएट दिगंबर राठौर, उनको आपने और मैं नाहर सिंह से रिक्वेस्ट करूंगा कि नाहर सिंह जी आप इस मीटिंग में जितने लोग हैं, आपने गमरे साहब इस मीटिंग में जितने लोग हैं उनको ही ये वीडियो भेजिएगा, बाकी लोगों को नहीं, महाराष्ट्र में जो एब्सेंट है ना उनको मत भेजिएगा। ओके सर, आज की मीटिंग में जितने लोग उपस्थित हैं इनको ही आज का वीडियो भेज दीजिए और मुझे भेज दीजिए, ठीक है सर। और इन लोगों ने, मैं कहूंगा कि हर एक की बात को गौर से सुनना समझना डायग्नोज करना, ये काम आप मीटिंग बुलाने का डिसीजन ले लीजिए, सब लोग अपने आप सुनकर आएंगे, आपको उनको सुनाने के लिए नहीं बोलना, वो मैंने बोल दिया पर्याप्त है। आपने इनकी मीटिंग आज कल या परसों दो दिन में आप स्टेट की मीटिंग बुला लीजिए जिसमें नेशन के जो महाराष्ट्र संबंधित हैं वो जॉइंट कन्वीनर सेक्रेटरी वहां पे आ जाएंगे, और जिनको आप जवाबदारी देना चाहते हैं उनका डिसीजन ले लीजिए, और दूसरे दिन फिर से मीटिंग बुलाइए, जिनको जवाबदारी देना उनको भी जवाबदारी खुले तौर से बांटिए। पहले आप इस क्लोज डोर मीटिंग करके अच्छे बुरे खोटे खरे आप आपस में गाली गलौज कीजिएगा, सब कुछ सर फोड़िए एक दूसरे के, चलेगा, और लेकिन बैठिए, ऑनलाइन बैठी है, अभी मैं जहां तक बोल रहा हूँ ऑनलाइन ही बैठी है, और आप सारे साथियों से मैं बोलूंगा कि ऑनलाइन बैठेंगे तो बैठेंगे, आपने एक दूसरे से पर्सनल कॉन्टेक्ट इमिडिएटली कीजिए, नहीं तो आप पिछड़ जाओ। अब ये आपके लिए वार्निंग है, ये अगर आप लोगों ने कॉन्टेक्ट नहीं किया तो आप पिछड़ जाओगे, मत खाओ। इसलिए आपने एक दूसरे से तुरंत कॉन्टेक्ट करने का है, अपना एक दूसरे सजेशन एक दूसरे से विचार लेने का, जिससे भाई गमे साहब ऐसी बात है, दिगंबर राठौर जी ऐसी बात है, अमर सिंह जी ऐसे बात है, एक दूसरे से बात करके शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप इस बीमारी की सबसे बड़ी दुखना है, सबसे बड़ा दुखना कम्युनिकेशन गैप है, और वो कम्युनिकेशन गैप के साथ बहुत सारे जो 10 पॉइंट से ज्यादा दिगंबर जी ने बोले हैं, एक एक पॉइंट वजनदार है। मैं अगली मीटिंग जब मैं स्टेट की लूंगा तो मैं ये चाहूंगा कि इसमें बहुत सारी चीजें रेक्टिफाई हो चुकी है, उसमें बहुत सारी चीजें रेक्टिफाई हो चुकेंगे, इसलिए मैं इस वीडियो को सुनने के लिए आप लोगों से अटेंशन दे रहा हूं। आप लोग दो मीटिंग तुरंत, एक तो कल नहीं परसों मीटिंग आप बुला लीजिए, कितने
जो ज्वाइंट कन्वीनर हैं और सेक्रेटरी हैं, वो ऑफिस बीरर हैं नेशनल लेवल पे, उनको बुला के भाई मैं इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता हूँ, आप सजेस्ट कीजिए इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए, आप उनको डिसीजन। और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद इनसे पूछे कि भाई डिस्ट्रिक्ट से मेरे को एक एक आदमी चाहिए। अभी आपको जो भी आदमी योग मिलता हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति का हो, जवाबदारी दीजिए। आने वाले समय में मैं बैलेंस करूंगा, आपको मैकेनिज्म दूंगा कि अगर कोई जाति दुखने का होगा किसी का, तो मैं उसको बैलेंस करके रेक्टिफिकेशन करूंगा। और लेकिन आप नेटवर्क डेवलप कीजिएगा, नेटवर्क के बिना आप 36 जिले हैं, 36 जिले पहुंचेंगे कहां? जब हमारा आदमी होगा तभी तो पहुंच पाएंगे ना वहां पर। तो वो पहुंचने के लिए संपर्क बनाने के, कम्युनिकेशन का संपर्क और कम्युनिकेशन दोनों ही, कहां से संपर्क करेंगे, किससे संपर्क करेंगे वो भी, और खुद होकर कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, ये ड्रॉबैक को भी दूर करना है। सो ये एज अर्ली एज पॉसिबल आप कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लेट हो गए, ये 26 जनवरी से पहले पहले आपका स्ट्रक्चर खड़ा हो जाना चाहिए। आज 12 तारीख है और आपके पास 14 दिन है, और आप देखोगे, मैं आप ज्यादा नहीं बोलता हूं, अगर आपने ये नेटवर्क स्ट्रक्चर तैयार किए, आपके 8-10-15 कैडर कैंप लग जाते हैं नेचुरल वे में, आपके कैडर कैंप लगते हैं। जवाबदारी तो बांट दीजिए। और मैं इन चीजों के ऊपर भी मैं भी गौर करता हूँ, इतना ही बोला मैंने। जिनको नेशनल लेवल की जवाबदारी दी है, वो नेशनल लेवल की जवाबदारी समझ के वो स्टेट में काम करेंगे ही, वो तो जवाबदार है, नेचुरल वे में जवाबदार है, तभी तो उनको नेशनल लेवल पर पूरे देश की जवाबदारी में, अगर वो महाराष्ट्र की जवाबदारी नहीं समझ संभाल पाते हैं तो उससे बड़े नालायक होंगे। अगर महाराष्ट्र की जवाबदारी, महाराष्ट्र से तो प्रतिनिधित्व करके हमने उनको सेलेक्ट किया है, अगर वो महाराष्ट्र की जवाबदारी नहीं संभाल पाते हैं तो महाराष्ट्र के लिए नालायक साबित होंगे। मिशन के लिए लायक नालायक बनेंगे वो अलग बात, और महाराष्ट्र की जो हम जिस कर्मभूमि जन्मभूमि हमारी है, उसके लिए तो हमको उपयोगी बनना चाहिए। माई भूमि के कम से कम कर्ज फेर ले पाइए, समाज रहना चाहिए, कर्ज फेरने चाहिए गोष्ठ के साथ साथ माई भूमि के भी कर्ज परत फेर के लिए पाइए। तो एक ये, और आप ये इसमें आपको और ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आपको मीटिंग बुलाना है और लोगों से सलाह लेकर पूरा नेटवर्क तैयार करना है, जवाबदारी बांट लेगा। और इसमें मैं सभी साथियों से बोलूंगा कि इसमें कोई हेवे दावे ना करते हो, ये मूवमेंट कैसे वहां पे खड़ा हो सकता है, और हमारे पक्ष में गमरे साहब को कोई बात पटती हो नहीं पटती हो चलेगा, और लेकिन खुले तौर से बात सजेस्ट कीजिए कि यहाँ पर इसके ऐसे बात बन सकती है, यहाँ पर ऐसे बात बन सकती है, क्योंकि मुझे इस महाराष्ट्र की जो भी लड़वैया रेडिकल कम्युनिटियां हैं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ रेडिकल कम्युनिटियां, संघर्ष करने वाली कम्युनिटियां, उसको एक को नहीं छूटना है। कम से कम आप महाराष्ट्र के 25-30 कम्युनिटियों का तो जायजा लीजिए, 30 कास्ट के आसपास तो आप, मगर ये 36 जिले हैं तो मैं 30 कास्ट का कम से कम आप बनाइएगा, 30 से हम लगभग 258 कास्ट, 300 कास्ट को हम इजीली महाराष्ट्र में पहुंच सकेंगे, लेकिन पहले 30 कास्ट का आप गणित बनाइए अलग अलग जगह से और जोड़िए। मैं जहां तक ट्रेनिंग कैंप की बात होगी, आपका ये जो नेटवर्क तैयार होगा, मैं इसको डायरेक्टली पूरा या तो लोनावला बुलाऊंगा, या मैं डायरेक्टली महाराष्ट्र के सारे साथियों को जलगांव बुलाना चाहूंगा। ये जो अपॉइंट करेंगे ना, इनके तुरंत कम 5 दिन का नहीं लगा सकेंगे तो कम से कम 2 दिन का, सैटरडे संडे में बुला लेता हूँ, शॉर्ट पीरियड में 1 दिन के लिए बुला लेता हूँ, तो सबका पर्सनल मिलना जुलना भी हो जाएगा। और गिले शिकवे तो दूर तो बात आती नहीं है, बल्कि अपनी कमतरताओं को दूर करने का, अपने आलस को दूर करने का एक मौका सबको मिल जाएगा। और मैं, मेरे सामने मेरी पर्सनल नजर से जो लोग गुजर जाएगा ना, वो आलस में नहीं रहेगा, क्योंकि मेरी नजर से बच नहीं पाएगा, मैं उसके आलस को बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि मूवमेंट को लेना है और टाइम फ्रेम के अंदर हमें काम करना है। टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम मूव नहीं हो पाए तो हम पिछड़ जाएंगे, और हम 5 सिद्धांत बोल रहे हैं, 5 विचार हैं सारा, या हमारा कुछ काम का नहीं रह जाएगा अगर हम टाइमली मूव नहीं किए। इसलिए ये हम सबके दारोमदार, सभी की प्रतिष्ठा, सभी की अस्मिता और सभी का गौरव हमारी स्पीड पर टिका हुआ है। इसलिए अपना थोड़ा सा आलस झटकने का है और जिद को थोड़ा सा बढ़ाने का, ये 2 पॉइंट बोला हूँ।
आलस को थोड़ा सा झटकने का है और जिद को थोड़ा सा बढ़ाने का है। मैं नहीं कहता हूं कि एकदम पूरी जिद लग जाइए, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी अपने बात को ध्यान में रखे कीजिएगा। अभी मोहन चौहान ने जैसे मैं एक काम कर रहा हूँ, व्यस्त जी हूँ, हम समझे उसको, हमने उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं किया क्योंकि लोग अपने आप ही कम फॉरवर्ड होंगे। तो आप इस चीज को आलस को त्यागें, क्योंकि आलस इसलिए है कि जो हमारा पर्सनैलिटी डेवलप है वो कहीं ना कहीं मनुवादी कॉन्सेप्ट हम पर हावी है, इसलिए वो हमारे को आलस को त्यागने नहीं देते और जिद को बढ़ाने नहीं देते। वो हमारे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है जो हमको इस चीज को रोकते हैं, हमको अंदर, क्योंकि कास्ट इज ए ये सेंट्रीपेटल फोर्स है, मतलब उसको वो एक लकड़ी को हमने ऐसे बांधा और इसके पत्थर बांध के ऐसे ऐसे घुमाया ऐसे, तो वो पत्थर इसके बाहर नहीं जाता ना, क्योंकि वो इस एक्सिस से बंधा हुआ है, तो वो सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं ना, सेंट्रीपेटल में सेंटर को करती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतनी ताकतवर नहीं होती कि वो इससे टूट कर इस चाकू से बाहर जा सके। तो ये महाराष्ट्र की सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रॉब्लम महाराष्ट्र के अंदर है, वो पर्सनालिटी के अंदर भी घुसा है। हमारे कुछ साथी हैं उसको तोड़ पाए हैं, वो आगे बढ़ेंगे। आप सभी साथियों ने, मैं किसी एक को भी इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, सारे साथियों ने इस चीज को ध्यान में रख के काम को समझें। खाना अब खाने का समय भी हो गया, मेरे को भी खाना खाना है, मैं बहुत पहले से बैठा हूँ, आप सब लोगों को देख रहा हूँ, दिन में भी मीटिंग ली हुई है और भी मेरे को, मैं एक भी मेरे को आज अब दाढ़ी बनाने का भी समय नहीं मिला, मेरे को नहाने का समय नहीं मिला, इस तरीके से काम। मैं अगर थक जाऊंगा, मैं आलस में पड़ जाऊंगा तो फिर मूवमेंट का क्या होगा, इस बात को ध्यान में रख के चलना पड़ता है। आप सब लोगों ने मैडम का था कल, सो अभी मैं यहीं पर क्लोज करता हूं। और ये नहीं, मेरा जन्मदिन तो 12 जुलाई को है, कमरे सर को रिक्वेस्ट करूंगा एज ए स्टेट इंचार्ज एक्सटेंड द वोट ऑफ थैंक्स एंड अपील एट द अर्लीस्ट पॉसिबल मीट। सहकारी आप 203 जी बंद कर लीजिए अपने आप, नारसिंह जी बंद कीजिएगा, नारसिंह जी माइक बंद कीजिएगा, म्यूट कीजिए नारसिंह जी, नारसिंह जी म्यूट कीजिए, नहीं 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 मैडम, नारसिंह जी म्यूट कीजिए, नारसिंह जी आवाज नहीं आ रही आपकी, पड़ा हुआ है तो मैं ला में डाल ही देता हूं यार, मुझे पड़ा हुआ है नारसिंह जी मालूम है इन चीजों से, नहीं वो सुनने को तैयार नहीं है, नारसिंह जी म्यूट कीजिए, नहीं नहीं थैंक यू, नारसिंह जी म्यूट कीजिए, नारसिंह जी म्यूट कीजिए, ठीक है बिल्कुल कमरे सर आप करिए कंक्लूड करिए, वो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। जैसे साहब ने कहा कि कल या परसों आप मीटिंग बुलाइए और कमिश्नरेट की जिम्मेदारी और डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी, जो हमारे नेशनल लेवल के ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी और कन्वेनर ज्वाइंट कन्वेनर उनकी मीटिंग बुलाएंगे, तो मैं कल ही 8:30 बजे दोबारा अपनी मीटिंग बुला रहा हूँ। सभी साथियों को अभी से इंस्ट्रक्शन ज्ञात हो जाए ताकि फिर गैप ना पड़े, मैसेज पड़ा या नहीं पड़ा, तो कल फिर 8:30 बजे मिलकर हम हमारा ढांचा तैयार करेंगे और फिर डायरेक्शन ले लेंगे। तो साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और कल 8:30 बजे इसी आईडी पे मिलेंगे। ये आईडी कल नहीं मिलेगी आपको, आप रखैया की आईडी पे यूज कीजिएगा, तुमचे आईडी है ना, हैं गमरे साहब तुमचे आईडी पर यूज कीजिएगा।